तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज यहाँ पर स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है जो कि हेल इन अ सेल स्पेशल यहाँ पर एपिसोड था, क्योंकि वहाँ पर मैच हमने देखा था रोमन रिंग्स वैसे रे मिस्टीरियो का हेल इन अ सेल मैच। लेकिन मैच तो हमने देख लिया, रिजल्ट हमें पता चल गया क्या इस मैच का निकला है रिजल्ट, लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है वो निकल के आ चुका है कि क्यों WWE ने यहाँ पर इस मैच को स्मैकडाउन के अंदर कराया जबकि यहाँ पर ये मैच जो है वो हेल इन अ सेल के लिए कन्फर्म हो चुका था। तो पीछे की क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर इनके मैच के बारे में यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करें तो इनका मैच आज स्मैकडाउन के अंदर हुआ था जो कि काफ़ी है ना बढ़िया हमें देखने मिला। अब यहाँ पर ये एपिसोड के अंदर हुआ था तो हमें पता है पेपर व्यू के अंदर यहाँ पर जो भी मैच होता है उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है और उसके बीच में कमर्शियल वगैरह आते नहीं है। स्मैकडाउन के अंदर यहाँ पर ये मैच था तो थोड़ा सा बोल सकते हो इसको थोड़ा कम ही यहाँ पर टाइम मिला, बीच बीच में कमर्शियल आते हैं तो थोड़ा सा मैच का जो मज़ा है वो यहाँ पर किरकिरा हो जाता है। लेकिन फिर भी जितना इनको टाइम मिला था मेरे हिसाब से इन्होंने उस चीज़ के ऊपर डिलीवर कराए। काफ़ी बढ़िया मैच इन दोनों ही सुपरस्टार ने यहाँ पर दिया और रिजल्ट हमने इस तरीके से देखा जहाँ पर रे मिस्टीरियो ने यहाँ पर इस मैच के अंदर टैप आउट कर दिया और इस तरीके से आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की एंडिंग हुई। और इसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ क्या निकल के आ रहा है। रिपोर्ट्स यहाँ पर ये बता रही हैं कि फॉक्स और USA नेटवर्क दोनों ने यहाँ पर WWE से बोला था कि उनको वीकली शो में हेल इन अ सेल मैच कराना है, यानी कि उनको यहाँ पर अपने शोज के अंदर हेल इन अ सेल मैच चाहिए। तो WWE ने इस डिमांड को यहाँ पर फॉक्स को दी और कह सकते हो फॉक्स की जो डिमांड थी उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट करी और स्मैकडाउन के अंदर इस मैच को यहाँ पर करा दिया गया। और रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी बता रही हैं कि जो USA नेटवर्क है वो इस चीज़ से काफ़ी अनहैप्पी है कि WWE ने यहाँ पर फॉक्स वालों को यहाँ पर हेल इन अ सेल मैच दे दिया, उनके यहाँ पर शो के अंदर हेल इन अ सेल मैच करा दिया जबकि उन्होंने भी इस चीज़ की डिमांड करी थी और यहाँ पर रॉक के अंदर हेल इन अ सेल मैच हुआ नहीं। तो ये कुछ अपडेट निकल के आ रही है कि इसके पीछे की क्या स्टोरी थी, क्या रीज़न रहा जिस वजह से WWE ने इस मैच को शिफ्ट कर दिया। और बिल्कुल अगर यहाँ पर USA नेटवर्क थोड़ा सा WWE से अगर ना खुश है, अनहैप्पी है, तो बिल्कुल उनको होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से अभी आपकी रॉ की यहाँ पर रेटिंग्स आ रही हैं तो उन्होंने अगर आइडिया पिच करा था हेल इन सेल मैच अगर रॉ के अंदर होता तो हो सकता था यहाँ पर जो रॉ की रेटिंग्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ सकती थी। और WWE ने यहाँ पर फॉक्स की डिमांड को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया तभी हमें रोमन रिंग्स और रे मिस्टीरियो का मैच हेल इन सेल के अंदर स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिला। अब पीछे की हाल फिलहाल ये कुछ अपडेट निकल के आ रही है, इसको लेके और भी कुछ अपडेट आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। कमेंट करके आप लोगों को जताना कि आपको रे मिस्टीरियो से रोमन रिंग्स का हेल इन अ सेल मैच कैसा लगा। स्मैकडाउन तो आज की कह सकते हो ठीक ठाक ही थी, बढ़िया ही थी, उसकी वीडियो यहाँ पर आ नहीं पाई लेकिन इस मैच को मैंने देख लिया है। तो कमेंट करके बताना क्या कहना है आपका इस मैच के बारे में। हेल इन अ सेल की वीडियो यहाँ पर कल आने वाली है तो उसके लिए आप चैनल पर वेट जरूर करना। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।